इंशाल्लाह वी विल विन। 1992 का रीकैप होना चाहिए, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराना है। सो सबके चाचू हैं, कौमी चाचू हैं। जब से जिम्बाब्वे से हारे मैंने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। यकीन करें कि जिस तरह ये लड़के आपस में कोऑर्डिनेट करके खेल रहे हैं, फैंटास्टिक यार, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। बाबर ने भी हार्ड टाइम देख लिया और हील कम बैक स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह। 1992 का रीकैप होना चाहिए, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराना है, फाइनल में इंग्लैंड को हराना है और हमने जीता। एक सेकंड, आप बताएं बाबर रिजवान के हवाले से कितना आप पूर्व उम्मीद हैं? ज्यादा पूर्व उम्मीद नहीं है, नहीं खेला जाता तो आउट हो जाए, बाकी सबको आने दें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, टाइम का मुकाबला सब चाचू को दे दें टाइम। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आज खेलेंगे इंशाल्लाह, परफॉर्म करेंगे, ओवरड्यू है परफॉर्मेंस, सो वी आर, आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह। हां मैम, मुझे नहीं आता। कौन सा क्रिकेटर पसंद है आपको? मैं इनकी वजह से आई हूं। ये सिर्फ मेरी वजह से आई है। हम लोग जी चाचू के बहुत बड़े फैन है, और उसके अलावा आई थिंक शादाब, आप भी चाचू कहते हैं उन्हें? बिल्कुल चाचू कहते हैं जी, सो सबके चाचू हैं, कौमी चाचू हैं, और उसके अलावा इंशाल्लाह शादाब विल डू वेरी वेल अगेन इंशाल्लाह। आपको कितना भरोसा है जीत का? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। अब मैंने तो पहले से कहा है, जब से जिम्बाब्वे से हारे मैंने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं बस। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए एक फैमिली और हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि कितने पूरे तमाद हैं पाकिस्तान की जीत के लिए। सर क्या लग रहा है, कोई घबराहट तो नहीं है आज? नहीं सर, इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जीतेगी, स्पेशली जो दो तीन मैचेस में परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दी है, मैंने इनको तारे मैचेस फॉलो किए हैं, हम आपके साथ मेलबर्न में भी थे, और आप यकीन करें कि जिस तरह ये लड़के आपस में कोऑर्डिनेट करके खेल रहे हैं, फैंटास्टिक यार, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। मैडम आप बताएं, बाबर आजम और रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी क्या लग रहा है उनका दिन है आज? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे परफॉर्म टुडे। लाइक अगर वो परफॉर्म नहीं करें तो बाकी अदर जो इनके प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वी हैव होप ऑन देम, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन टुडे। आपको क्या लग रहा है आज? इफ पाकिस्तान इज गोना विन, इंशाल्लाह पाकिस्तान विन, आई होप द बेस्ट फॉर देम एंड आई होप टू विन इंशाल्लाह। गला बैठा हुआ है बुरी तरह से। आपको बेटा दुआएं करके आए हैं पाकिस्तान के लिए? Yeah. तो कौन हीरो बन रहा है आज पे? शदाब। हारिस, हारिस, मोहम्मद हारिस। चले कोई बन जाए दोनों में से, पाकिस्तान जीते बस। इंशाल्लाह। अच्छा बताएं आज कितनी एक्साइटमेंट है और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दो राय ही नहीं है। सिडनी के क्राउड ने उस दिन भी पाकिस्तान की हारती हुई टीम को सपोर्ट किया था, हम एक्स्ट्रा नंबर्स में आए थे, और आज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीतेगा और फाइनल भी जीतेगा इंशाल्लाह, हिस्ट्री रिपीट होगी। पापा रिजवान के हवाले से क्या आपको लगता है आज? उन्होंने हार्ड टाइम देख लिया हुआ है, हर प्लेयर का हार्ड टाइम होता है, विराट कोहली का हार्ड टाइम था, बाबर ने भी हार्ड टाइम देख लिया, और हिल कम बैक स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह। अगर हम उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं तो मुश्किल टाइम में भी हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह, बाबर की कैप्टनसी पे भी, उसके बैटिंग ऑर्डर पे भी हम कॉन्फिडेंट हैं, और दे आर गोना बाउंस बैक वेरी सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज अच्छा खेलेगा, उम्मीद है आज अच्छा खेलेगा। कितने पुरजोश हैं आज पाकिस्तान की जीत के लिए? ऑफ कोर्स पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अगर पहुंच गया इधर सेमीफाइनल में, वी आर सो ग्लैड एंड वी आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड दुआएं पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह वी विल विन। बाबर रिजवान के हवाले से कितने पूरे तमाम हैं? आई थिंक बाबर विल परफॉर्म टुडे, या फिंगर्स क्रॉस, या।